हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 2, पीपल एज रिसोर्स। तो देखिए, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 बना चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है ना, उसमें ना मैं सारे के सारे क्लासेस जो हैं, मतलब सारे के सारे क्लासेस ने आपकी जो 9th क्लास है इसकी, हम लोगों ने यहाँ पर देखिए लर्नर बी पर इंग्लिश कम्प्लीट है पूरी, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स कम्प्लीट है। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी हिंदी के सारे चैप्टर्स भी कवर हम कर लें, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ पर कवर है, हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स कवर्ड हैं, और फिर SST के सारे क्वेश्चन आंसर्स तो आपके कवर है, बट हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, पॉलिटिकल साइंस के और हिस्ट्री के लास्ट के चैप्टर्स रह गए, इकोनॉमिक्स के चल रहे। तो धीरे धीरे मतलब काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, काफ़ी रह गया है। और हमारा दूसरा चैनल है लर्नर बी एक्स्ट्रा, ठीक है, वहाँ पर मैथ्स के काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं और साइंस के, ठीक है, तो वो वहाँ पर कवर है। तो आप लोग लर्नर बी, ठीक है, लर्नर बी है और फिर उसके आगे एक्स्ट्रा है, तो लर्नर बी एक्स्ट्रा पर आप लोगों को साइंस और मैथ्स भी मिल जाएगी। बाकी जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना और कमेंट बॉक्स, दोनों में ना मैं सारे के सारे ये जितने भी सब्जेक्ट्स हमने कवर कर रखे हैं इनके लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए ये वाला चैप्टर, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में काफी कुछ कवर कर चुके हैं, अब पार्ट 2 आता है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, क्वालिटी जो शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है कोई चीज़ अगर अच्छी होती है, ठीक है, तो कहते हैं ना इसकी क्वालिटी अच्छी है, या फिर मतलब वो कैसा है, ये होता है क्वालिटी। तो हमारी जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की, वो डिपेंड करती है, मतलब पॉपुलेशन हमारे देश की जनसंख्या अच्छी है तो ये आप कैसे डिपेंड करेंगे कि उसकी जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट का मतलब है कि वो लोग पढ़े लिखे हैं, हेल्थ, इंसान का स्वास्थ्य अच्छा है, वो कितनी ज़िंदगी जी सकता है, उसमें कितनी स्किल्स है, मतलब अगर वो नौकरी करेगा जा कर के तो उस इंडस्ट्री को वो कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, या फिर वो अपनी लाइफ को कितने अच्छे तरीके से लीड कर सकता है। तो देखिए, कोई भी इंसान अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से अगर जीना चाहता है तो क्या क्या चाहिए, एक तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी आप कोई दूसरा काम तो कर ही नहीं सकते। ठीक, क्या हो गया, आई एम सो सॉरी, वो थोड़ा सा ऊपर से नोटिफिकेशन आ गया था। हाँ, तो देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी को क्वालिटी चाहिए पॉपुलेशन में, तो एक तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और एक एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। मतलब हेल्थ, हम लोग स्वस्थ हैं, हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं तभी तो अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे, एजुकेटेड हैं तभी तो चीज़ों को आगे से अच्छे पढ़ा पाएंगे। तो यही हमें इसमें बताया गया है कि जो लिटरेट है, लिटरेट मतलब पढ़ी लिखी जनसंख्या, और एक हेल्दी स्वस्थ जनसंख्या जो है वो एक कंट्री के लिए क्या होती है, एसेट होती है। एसेट का मतलब है एक बहुत ही कीमती चीज़ होती है। और क्वालिटी जो है ना पॉपुलेशन की, वही डिसाइड करती है कि कंट्री कितनी अमीर होगी या फिर नहीं होगी। अब पहली चीज़ हम लोग देखते हैं एजुकेशन। देखिए, इस चैप्टर में आप अगर हर आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, इस चैप्टर के एक तो लिखना है एजुकेशन और दूसरा लिखना है हेल्थ, है ना, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये देखिए एजुकेशन में आता है। हाँ, तो एजुकेशन में क्या है, देखिए सकल की एजुकेशन जो है ना, सकल, हम लोगों ने सकल के बारे में और दो फ्रेंड्स के बारे में देखा था ना, तो सकल की जो एजुकेशन है वो स्टार्टिंग के ईयर्स में जो उसने करी थी, उसकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे फ्रूट्स लेकर के आई और उसको अच्छी जॉब मिल गई, जिससे वो अच्छी सैलरी अब उसको मिलने लगी है। तो हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई ने कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सकल की लाइफ में, मतलब सकल की लाइफ कितनी ज़्यादा ग्रो कर गई, कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई, क्यों, क्योंकि उसने बचपन में अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी थी, और इसने पढ़ाई लिखाई ने, एजुकेशन ने सकल की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आया। इट ओपन न्यू होराइजन फॉर हिम। न्यू होराइजन का मतलब होता है अलग अलग उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़, अलग अलग जगह वो जॉब कर सकता है और मतलब बहुत अच्छी लाइफ वो लीड कर सकता है, और इससे उसके मतलब डेवलप और अच्छी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई एजुकेशन। नॉट ओनली फॉर सकल, सकल के लिए ही एजुकेशन नहीं, सिर्फ सकल के लिए ही नहीं, एजुकेशन जो है वो पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि देखिए, जो इंसान एजुकेटेड है, ठीक है, पहले तो ये होगा कि वो एक अच्छी जगह जॉब कर रहा होगा या फिर एक अपना अगर बिजनेस चला रहा होगा तो वो बहुत अच्छे से उसको चला पाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से वो ग्रो हुआ। अब अगर एक इंसान, ठीक है, एक इंसान है, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है और अच्छे से वो सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छे से अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, तो क्या इससे पूरा देश नहीं सुधर जाएगा, है ना, इसलिए एजुकेशन पूरे देश को सुधार देती है, इसलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इट एनहांसेस द नेशनल इनकम, हमारे अब सब लोग कमाएंगे तो हमारे देश की नेशनल इनकम भी तो बढ़ेगी। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का ये मतलब होता है, जैसे कि सपोज करिए एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, हाइपोथेटिकल का मतलब जो सच्चा नहीं है, सोच रहे हैं, तो अब एक सपोज करिए कि एक देश है जिसमें 100 लोग रहते हैं, उसमें से 80
परसेंट लोग जो हैं वो साल के 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, और बाकी जो 20% लोग हैं वो सपोज़ करिए 5 लाख के आसपास कमाते हैं साल के। तो क्या इस देश के लोग अच्छे खासे रह रहे होंगे? अगर किसी देश के लोग अच्छा पैसा कमाते हैं तो उस देश में शांति भी रहती है, तो इसका मतलब ये है। तो अगर ये 80% लोग 10 लाख कमा रहे हैं, 20% लोग 5 लाख कमा रहे हैं, तो सपोज़ करिए पूरे देश की मिलाकर के इनकम 1 करोड़ बनती है, सपोज़ करिए, ठीक है। तो जो पूरे देश के लोग मिला करके कमाते हैं ना, उसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। मतलब सारे के सारे लोगों की हम लोगों ने इनकम कैलकुलेट कर ली, उसको प्लस कर लिया, फिर जो इनकम निकलती है उसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। तो सब लोग अगर पढ़े लिखे होंगे तो देश की नेशनल इनकम भी ज़्यादा होगी, कल्चरल रिचनेस होगी, एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। इसका मतलब, कल्चरल रिचनेस का मतलब होता है कि क्योंकि जब हम लोग पढ़े लिखे होते हैं, हम अच्छा कमा रहे होते हैं, तो हम बाकी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंटरटेनमेंट के सोर्सेज पे भी ध्यान देते हैं, और हम एफिशिएंसी, गवर्नमेंट भी अपना काम आराम से कर पाती है, लोगों को समझाना आसान हो जाता है, और प्रोविज़न होता है, ठीक है, देर इज़ अ प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। तो हमारे देश में की सरकार क्या कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि हर मतलब बच्चे को 6 साल से 14 साल के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, और वो क्वालिटी एजुकेशन हो, अच्छी एजुकेशन हो, ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ पाए। तो ये हम लोगों को लिटरेसी रेट्स के बारे में बताया गया है। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम लोग 2011 की बात करें तो मेल जो परसेंटेज है वो कितनी है लिटरेसी रेट की, 80% से भी ऊपर जा रही है अराउंड, है ना, तो 83% अराउंड है। फीमेल की कितनी जा रही है, फीमेल की अपनी जा रही है देखिए 65, मतलब मेल की अराउंड 83% जा रही है, फीमेल की 63% जा रही है, और ओवरऑल इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमारे देश की जो परसेंट निकलती है ना, हमारे देश की लिटरेसी रेट अराउंड 74% निकलती है, अगर हम 2011 की बात करें। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब देखिए कितनी बुरे हाल थे हम लोगों के, मेल जो है वो अराउंड 25% 28% थे, फीमेल 9%। हमारे देश की ओवरऑल लिटरेसी रेट पता है 17% थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मतलब इतने ज़्यादा अनपढ़ लोग थे हमारे देश में, सिर्फ 17% लोग ही पूरे देश में पढ़े लिखे थे। तो अब सरकार जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है पढ़ाई पे, लड़कियों की पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और मतलब एस्टैब्लिशमेंट, देयर इज़ आल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पे सेटिंग ऑफ स्कूल्स, लाइक काफ़ी सारे स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं, जैसे कि नवोदय विद्यालय। आप लोगों ने सुना होगा कि हर ज़िले में नवोदय विद्यालय होते हैं, जिसमें जो गाँव के बच्चे होते हैं स्पेशली उनको पढ़ाया जाता है, और वो बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, नवोदय के बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं पढ़ने में। तो नवोदय विद्यालय जो है बनाए जा रहे हैं। वोकेशनल स्ट्रीम्स, वोकेशनल स्ट्रीम्स का मतलब होता है जैसे कि कुछ अलग चीज़ें सिखाना, जैसे कि कंप्यूटर सिखा देना या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा देना, जिससे इंसान आगे जाकर के जॉब कर सकता है। तो वोकेशनल स्ट्रीम्स भी सिखाई जा रही हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं उनमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी नॉलेज और स्किल दी जाती है। इसके लिए जो एजुकेशन है, एजुकेशन में पैसे जो हैं, जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट प्लान था, देखिए अब आप लोगों के ना दिक्कत ये है एनसीईआरटी में थोड़ी सी, बस कि प्लान्स के बारे में बता दिया, आप बच्चे को पता ही नहीं कि प्लान होता क्या है। तो देखिए ना, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो हम लोगों ने एक सिस्टम अपनाया था जिसको 5-ईयर प्लान के नाम से जाना जाता था। तो जो पहला 5-ईयर प्लान था ना, उसको ही फर्स्ट प्लान बोलते हैं। उसमें देखिए 3,766 करोड़ रुपये जो है वो मतलब फर्स्ट प्लान में तो 151 करोड़ थे, और जो 11th प्लान आया, मतलब 5-ईयर प्लान होते थे, प्लान बनाते थे कि 5 साल में हम लोग कितना एजुकेशन पे खर्च करेंगे, कितना हेल्थ पे खर्च करेंगे, कितनी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, एग्रीकल्चर पूरे देश में हम लोग कहाँ कहाँ पर क्या क्या खर्चा करेंगे, क्या क्या बनाएंगे, ये सब प्लान्स में आता था। तो जो पहला 5-ईयर प्लान था उसमें 151 करोड़ का खर्चा किया गया था एजुकेशन पर, 11th 5-ईयर प्लान पे इतना किया गया। और एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका ये मतलब होता है कि पूरे साल में हमारे देश में कितने सामान, कितना सामान और कितनी सर्विसेज, मतलब एक तरह से देश में कितना पैसा कमाया जा रहा है, वो होती है जीडीपी। तो उस टाइम जैसे अगर जीडीपी 100 है, ठीक है, तो 1951 में 100 में से 0.64 पैसे जो हैं वो एजुकेशन के लिए रखे गए थे, और अब 2015-16 की अगर हम लोग बात करें तो 100 में से 3 रुपये, मतलब 3% जो है वो एजुकेशन के लिए रखा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात, मतलब कंपैरेटिवली है, बट सिर्फ 3% ही रहा है काफ़ी सारा सालों से, क्योंकि हर साल बजट आता है उसमें बताते हैं कि किस जगह कितना ज़्यादा खर्चा हम लोग करेंगे। तो बजटरी एस्टिमेट जो है एज स्टेटेड इन द बजट, उसके हिसाब से हम लोग को ये सब बताया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट निकालता है, ठीक है,
डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी डिक्लाइन टू 2.7% इन 2017-18. तो 2.7% पहले हम लोगों ने देखा 2015-16 में क्या हुआ, 3%, बट 17-18 में हम लोगों ने देखा कि 2.7% ही रह गया. तो देखिए 17-18 क्यों लिखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो मार्च से शुरू होती है, सॉरी अप्रैल से, 31 मार्च को ख़त्म होती है और 1 अप्रैल से पैसे से रिलेटेड नई चीज़ें जैसे बैंक वगैरह होते हैं तभी तो मार्च में काम होता है. अप्रैल से नया साल लगता है पैसे से रिलेटेड, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक अगले साल के, ठीक है. जैसे सपोज़ करिए 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक एक साल माना जाता है, उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं. तो जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें मतलब लिटरेसी, सॉरी एजुकेशन के लिए कम पैसा रखा गया. तो लिटरेसी जो है ये सिर्फ राइट ही नहीं है, इंसान का हक ही नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो नीडेड अगर सिटीज़न को परफॉर्म करने हैं अपनी ड्यूटी और अपने राइट्स को इन्जॉय करना है. मतलब हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, हमें कुछ काम भी करने होते हैं देश के लिए, तो अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. तो काफ़ी फिर भी जो है वास्ट काफ़ी सारी जो सोसाइटी है, हमारी जो पॉपुलेशन है काफ़ी सारी, उसमें आज भी लिटरेसी रेट नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत कम है और लोग पढ़े लिखे नहीं है. लिटरेसी जो है वो मेल्स में 16.6% हायर है अगर हम फीमेल्स की बात करें तो. 16.1% अर्बन एरिया में मेल्स ज़्यादा लिटरेट हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़. अगर हम लोग 2011 की बात करें तो लिटरेसी रेट मतलब पढ़े लिखे लोग केरला में कितने थे, 94%, और बिहार में सिर्फ 62% लोग पढ़े लिखे थे. और यही हम लोगों को बताते हैं कि प्राइमरी स्कूल सिस्टम जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, ओवर 8.41 लाख हो चुके हैं प्राइमरी स्कूल 2015-16 में, मगर फिर भी जो स्कूल्स हैं उनकी जो क्वालिटी है ना वो अच्छी नहीं है. मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं की जाती और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता. ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब लोग स्कूल बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ करके भी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं. तो सर्व शिक्षा अभियान जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था प्रोवाइड करने के लिए सब लोगों को एजुकेशन, सारे के सारे बच्चों को. इंपॉर्टेंट है ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया कि सारे के सारे बच्चों को कम से कम बेसिक एजुकेशन मिले जो कि 6 से 14 साल की उम्र के हैं, ठीक है. 2010 में एक तरह से ये प्लान स्टार्ट हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया था, लोकल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया था ताकि ये गोल अचीव किया जा सके. इसके साथ साथ ब्रिज कोर्सेज, मतलब जैसे कि कोई 6th क्लास में है और उसके 8th क्लास के बीच में गैप है ना काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि एक बच्चा है वो 6 से 8 में तो चला गया बट उसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ब्रिज कोर्सेज ताकि वो अच्छे से पढ़ सके. ऐसे कैंप्स वगैरह स्कूल में लगाए जाते थे, मिड डे मील स्टार्ट हुई कि एक वक्त का खाना भी स्कूल में मिलेगा, ठीक है. इस तरीके की स्कीम भी इम्प्लीमेंट की गई, इसकी वजह से अटेंडेंस बढ़ गई, बच्चे जो हैं वो खाना खाने के चक्कर में आ जाया करते थे स्कूल, और न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बढ़ा. बच्चों को जो खाना नहीं मिल पाता था टाइम से, भूखे मरते थे मतलब भूखे रह जाते थे बच्चे, तो वो भी उनको खाना अच्छे से मिलने लगा, ठीक है. तो जो 12th 5-year plan है हमारा, 12वां plan है, उसने क्या किया है, एंडेवर टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है ना वो ये होता है कि कितने बच्चे जो हैं स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है. तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है वो हायर एजुकेशन की जो एज ग्रुप है 18 से 23 के में सिर्फ और सिर्फ 25.2% जो है बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, और 2017-18 आते आते 30% जो हैं लोग 18 से 23 साल की उम्र में वो हायर एजुकेशन लेने जाने लगे. तो ये वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से है तो फिर भी हम लोग काफ़ी सही दिशा में हैं, ठीक है. स्ट्रैटेजी फोकस, हमारी जो एजुकेशन की स्ट्रैटेजी है वो फोकस करती है कि हर किसी को एक्सेस मिले अच्छी एजुकेशन का, और स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मतलब स्टेट के हिसाब से जो एजुकेशन का पैटर्न बनाया गया है उस हिसाब से सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, और वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए ताकि उनको और पढ़ाई के अलावा भी और चीज़ें सिखाई जा सकें, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें भी उनको सिखाई जा सकें. प्लान इस पर भी फोकस करता है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है ना, जैसे कि वही ऑनलाइन जैसे आजकल चल रहा है, आप समझ लीजिए स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, तो आईटी एजुकेशन वगैरह ये सब भी चले, तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. लगभग 50 साल से देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी. 50 साल की अगर हम लास्ट 50 ईयर्स की बात करें तो हमारे देश में ना काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय, कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा खुल गए हैं, ठीक है. इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो मतलब वही है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा एनरोल होने लगे हैं और टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा उसमें
रिक्रूट किए जाने लगे हैं। अब हम लोग देखते हैं हेल्थ, कि हम लोगों ने अभी एजुकेशन के बारे में देखा कि एजुकेशन के हमारे देश में किस किस तरीके से एजुकेशन बढ़ी है। अब हम लोग देखते हैं हेल्थ के बारे में कि हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि हेल्थ की कंडीशंस, आप समझ लीजिए कि कैसी हैं हमारे देश में। तो ज़्यादातर हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका तो काम होता है कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, है ना। तो फिर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। डू यू थिंक एनी फिल्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। तो इसमें हमें यह बताया गया है कि कोई सी भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी जगह है, वहाँ पर आप सपोज करिए फैक्ट्री के मालिक हैं, आप लोगों को आप किसको एम्प्लॉय करेंगे, किसको नौकरी पर रखेंगे, एक हेल्दी इंसान को ही तो रखेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि भाई दो दिन बाद कि भाई हमारी तबीयत खराब है और हम लोग छुट्टी लेकर के जा रहे हैं और जब काम कर रहे हैं तो भी अपने हेल्थ के कारण अच्छे से काम ना कर पाएं, है ना। तो इसकी वजह से हमें हेल्दी लोगों की ज़रूरत होती है हमारे देश में, ठीक है। तो हेल्थ जो होती है ना पर्सन की, वो हेल्प करती है उस पर्सन को रियलाइज करने के लिए अपनी एक्चुअल पोटेंशियल, मतलब वो खुद जितना काम एक हेल्दी पर्सन ही अपना अच्छे से काम कर सकता है। एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस, तो अपनी इलनेस से फाइट कर सके, वही होती है हेल्थ की, मतलब अच्छे से हेल्दी तरीके से वो काम कर सके और वही हेल्दी रहे। ये हमारी एक बहुत ज़्यादा बेसिक नीड होती है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए या फिर काम करने के लिए। ही शी जो भी पर्सन है विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम कर रहा है उसमें काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। और हेल्थ जो है ना वो इंडिस्पेंसिबल है बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबिंग। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिस जो इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इम्प्रूवमेंट जो होता है ना हेल्थ स्टेटस का, पॉपुलेशन का, वो किसी भी देश की प्रायोरिटी होती है। मतलब जो हेल्थ है अगर वो सबकी अच्छी है तो ही देश आगे बढ़ेगा। इसलिए देश में भी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे नेशन की जो पॉलिसी है ना, हमारे देश की जो नेशनल पॉलिसी है, वो भी एम करती है कि हमारे देश में सब लोगों को अच्छे से हेल्थ केयर मिले। फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर मतलब परिवार के लोग अच्छे से रहें, ये फैमिली वेलफेयर होता है। न्यूट्रिशनल सर्विस मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल फूड मिले। और स्पेशल फोकस दिया गया है अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। अंडर प्रिविलेज सेक्शन होते हैं जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको अंडर प्रिविलेज सेक्शन बोलते हैं। उन पर उनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए ढंग से नहीं मिलता है। हम लोग को अगर हेल्दी रहना है तो हमें तो खाना अच्छा खाना पड़ेगा। मोमो बर्गर खाने से नहीं होता है हेल्थ अच्छी, उससे हेल्थ ख़राब होती है। अपने घर का न्यूट्रिशनल फूड खाया करिए, ठीक है। तो जो हमारी सरकार भी जो अंडर प्रिविलेज गरीब लोग हैं उन पे ध्यान देती है ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। लगभग 5 डेकेड, एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो 5 डेकेड का मतलब हो गया 50 साल। तो लगभग 50 साल में इंडिया ने काफ़ी अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लिया है और डेवलप कर ली है मैन पावर, मतलब लोग जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं ना, और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स भी हमारे देश के काफ़ी ज़्यादा अब इम्प्रूव हो चुके हैं। अब प्राइवेट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है? प्राइमरी का मतलब है जो गांव वगैरह में छोटे छोटे क्लिनिक खुल जाते हैं। सेकेंडरी होते हैं मतलब थोड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं बट सारी इक्विपमेंट नहीं होते हैं। और टर्शरी जैसे कि एम्स मान लीजिए कि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इस तरीके के हेल्थ केयर सिस्टम सरकार ने डेवलप कर दिए हैं और काफ़ी मतलब अच्छे से काम चल रहा है। अब ये वाला बॉक्स देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो। वही हमें बताया गया है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है जो बच्चे 1 साल की उम्र पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं वो होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, है ना। तो ये भी हमारे देश में अब काफ़ी कम हो गया है। आज़ादी के टाइम पर बहुत बच्चे बहुत जल्दी मर जाया करते थे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बढ़ा है ये हमें बताया गया नंबर के हिसाब से, कि जो हॉस्पिटल्स हैं है ना वो 2013 में इतने थे और 2018 में इतने हो गए हैं। पूरा मतलब एक तरह से कंपैरिजन किया गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों को ये जो सर्वे दिया हुआ है ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2013-14-15 उसके हिसाब से ये पूरा सर्वे किया गया है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये एनफ है? बिल्कुल भी एनफ नहीं है भाई। हम लोगों को बहुत ज़्यादा अभी देखिए COVID-19 के इशू में तो कितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है। तो और ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स में बेड ज़्यादा होने चाहिए और डॉक्टर्स की, नर्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें आगे बताते हैं कि इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर नॉर्मल बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे देश में और 301 डेंटल कॉलेज हैं। तो 381 मेडिकल कॉलेज हैं, 301 डेंटल कॉलेज हैं और सिर्फ 4 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश,
ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इसमें सबसे ज़्यादा कॉलेज है। मतलब सबसे ज़्यादा कॉलेज हमारे सदर्न इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही कम हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जो है मेडिकल वो बहुत ही कम है। अब अनएम्प्लॉयमेंट, हमने हेल्थ के बारे में देख लिया, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोज़गारी, ठीक है। अब बेरोज़गारी क्या होती है, बेरोज़गारी होता है बेरोज गारी, हाँ, तो बेरोज़गारी होती है कि मतलब आप लोग जॉब करना चाहते हैं बट आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो होते हैं बेरोज़गार, ठीक है। अब हमें जैसे एग्जांपल बताते हैं कि जो सकल है उसकी माँ शीला है, वो अपने घर का काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने हस्बैंड की कभी कभी फील्ड में जा कर के हेल्प कर देती हैं। सकल के जो ब्रदर हैं जीतू और उसकी बहन है सीतू, वो खेलने जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सीतू, जीतू या फिर उसकी सकल की मदर अनएम्प्लॉयड है? तो भाई ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सेट टू एग्जिस्ट व्हेन, ये डेफिनेशन अच्छे से देखिए, व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। मतलब कि लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, बट उन लोगों को काम मिल नहीं रहा है उतने रेट पे। जैसे कि सपोज करिए एक इंसान ने बीटेक किया है, तो वो चाहता है कि कम से कम उसकी 30-40,000 सैलरी तो हो महीने की, तभी वो काम करेगा, है ना। अब उसको एक बीटेक वाले बंदे को आप लोग 10,000 रुपये की सैलरी दे रहे हैं, तो भले जॉब है बट वो इंसान काम नहीं करना चाहेगा उस पर, तो फिर वो इंसान क्या हो जाएगा, वो इंसान अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। मतलब जितने पैसे पे आप काम करना चाहते हैं उतने पैसे पे आपको काम नहीं मिल रहा है अगर, तो वो इंसान अनएम्प्लॉयड होता है, ठीक है। तो जो काम करना चाहते हैं वही अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं, और जिन्हें काम नहीं मिल रहा होता, बाकी जो मदर्स हैं घर में वो काम नहीं करना चाहती, छोटे बच्चे हैं या फिर बूढ़े लोग हैं, ठीक है, वही सकल के दादा, उसके छोटे भाई बहन, उसकी मदर, ये लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। सकल की मदर शीला वो घर में काम करती हैं, वो बाहर जाकर के काम नहीं करना चाहती, तो उनको हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। सकल के ग्रैंड पेरेंट्स, बल्कि स्टोरी में नहीं बताया गया उनके बारे में, तो बट फिर भी उन्हें एम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयड कौन होते हैं, 15 से लेकर के 59 ईयर्स की एज तक के लोग जो काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड होंगे। अब जो रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें गाँव की, तो दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है सीजनल और एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में, मतलब शहरों में, मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब ये सब क्या है, अभी ये हम चैप्टर में आगे देखेंगे, सब पता चल जाएगा। देखिए, अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, जब लोग जो हैं वो काम एक आध सीज़न में, किसी सीज़न में काम उनको मिल जाता है और किसी सीज़न में काम उनको नहीं मिलता। तो सपोज़ करिए साल के 12 महीने में से वो 9 महीने उनको काम मिल रहा है और 3 महीने काम उनको नहीं मिल रहा है, तो 3 महीने के लिए वो अनएम्प्लॉयड है, 9 महीने के लिए वो क्या हो जाएंगे, 9 महीने के लिए वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। एबल टू फाइंड वर्क ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, कुछ साल के कुछ महीनों के लिए तो काम मिल रहा है, कुछ के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। लोग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं वो इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो सर्टेन बिजी मंथ्स होते हैं जहाँ पर वो बुआई कर रहे होते हैं, हार्वेस्टिंग कटाई कर रहे होते हैं, है ना, थ्रेशिंग, वीडिंग मतलब फालतू के पेड़ निकालना, थ्रेशिंग वगैरह करना। तो जब ये सब काम चल रहे होते हैं तब तो एग्रीकल्चर में काम मिल जाता है, और जब ये सब काम नहीं हो रहे, फसल खड़ी होती है खेत में, पक रही होती है, तो उस टाइम पर उन लोगों को काम नहीं मिलता है, तो वो क्या हो गई, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। और अगर डिसगाइज, देखिए डिसगाइज का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, तो जो छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको भी हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये भी हमारे गांव में देखने को मिलती है, कैसे कि एक एग्रीकल्चरल प्लॉट है, मतलब एक खेत है, उसमें मतलब एक इंसान को काम तो मिल गया। ये यूजुअली तब होता है जब एक ही फैमिली के लोग जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे होते हैं। सपोज़ करिए एक वो है खेत, इसमें ना 5 लोगों की ज़रूरत है, 5 लोग काम करेंगे तो भी 1 कुंटल फसल निकलेगी, ठीक है। अब इसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं तो भी 1 ही कुंटल फसल निकल रही है, बट लोग बढ़ने से फसल पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा। तो इसमें सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत थी, इसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। तो ये जो 3 लोग हैं ना, ये डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब इनको लग रहा है कि ये एम्प्लॉयड हैं बट एक्चुअली ये अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत थी, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग जो हैं उस प्लॉट पे जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं। तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट तो कर नहीं रहे हैं फसल को बढ़ाने में या किसी भी तरीके से। तो अगर 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं ना, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब इनके काम की
मतलब कोई ज़रूरत थी नहीं, बट लग रहा है एम्प्लॉयड है, बट ये एम्प्लॉयड नहीं है एक्चुअल में। तो इन केस ऑफ अर्बन एरिया, शहरों में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। शहरों में पढ़े लिखे लोग हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिलती है। काफ़ी सारे यूथ हैं, काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने टेंथ कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। स्टडी बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैं जो जिन्होंने टेंथ कर रखी है उनको तो फिर भी मतलब वो छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं, बट जो ग्रेजुएट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, वो छोटी मोटी जॉब नहीं करना चाहते, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग रह जाते हैं, मतलब काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है इनमें। अब पैराडॉक्सियल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड एज सरप्लस मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरी को एग्जिस्ट विद शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर्स। इसका मतलब ये है पैराडॉक्स, मतलब एक अचंभे की बात है कि किसी जगह जिस जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ तो बहुत ज़्यादा कमी है। कि भाई जो हाईटेक जॉब्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है, ऐसी जॉब्स में मतलब ज़रूरत है लोगों की, बट ऐसे लोग नहीं मिलते हैं काम करने वाले, है ना। तो जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनकी कमी है हमारे देश में, और इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी है और जॉब्स की कंपनियों को भी लोगों की भी ज़रूरत है, तो ये बड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि ऐसी स्किल्स नहीं हैं लोगों के पास। मतलब लोग पढ़े लिखे तो हैं बट उनके पास इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है कि उनको जॉब दी जा सके। तो यही हमारे देश की और इकोनॉमी की प्रॉब्लम हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड वाइल देयर इज़ अ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट, बीटेक वाले अनएम्प्लॉयड हैं, वो दिक्कत, ठीक है, और दूसरी तरफ कंपनियों को ज़रूरत है कि भाई बीटेक ग्रेजुएट लोग आएँ, बट वो जो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं वो ऐसे हैं नहीं जिनको नौकरी दी जा सके, वो अच्छा काम नहीं करते हैं। तो यही हमारे देश की दिक्कत बनती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, वेस्ट ऑफ मैन पावर रिसोर्स, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर काट दिए गलत बात है, ठीक है, क्यों लड़कियां काम नहीं करती हैं क्या, यहाँ पे आप ह्यूमन रिसोर्स करिए। ह्यूमन रिसोर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा किल्लत कर रहा है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो रहा है। हम लोग काम कर सकते हैं बट काम कर नहीं पा रहे हैं। पीपल जो कि हु आर एन एसेट टू एन इकोनॉमी टर्न इन टू लाइबिलिटी, मतलब जो एसेट थे, जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, बट अब उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो वो देश पर एक तरह से बोझ बन के पड़े हुए हैं। और उन लोगों में होपलेसनेस की फीलिंग आती है, डिस्पेयर आता है कि भाई हम लोग किसी काम के नहीं हैं, हमारा क्या होगा, इस तरीके की फीलिंग फिर यूथ में आने लगती है। पीपल लोगों के पास एनफ मनी नहीं होती अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। तो मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियाँ भी चाहिए बट उन लोगों को नौकरी मिल नहीं पाती है, तो ये तो सोशल वेस्ट हो गया, मतलब आप अपनी जनसंख्या को बर्बाद कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ओवरलोड पड़ता है, मतलब जैसे कि जो इंसान के घर में जैसे एक फैमिली है चार लोगों की, उसमें से एक ही पर्सन काम कर रहा है तो उस पर्सन पर बाकी तीन लोग तो डिपेंड कर रहे हैं ना, तो वो एक इंसान पे लोड बढ़ जाता है। तो डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस, तो बहुत कम लोग एम्प्लॉयड होते हैं तो जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं वो एम्प्लॉयड जो नौकरी कर रहा है, जो कुछ काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उस पर डिपेंड करने लगते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है इंडिविजुअल की और सोसाइटी की, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है अगर लोग पैसा नहीं कमा रहे होते, क्योंकि जो पैसा कमा रहे होते हैं उनकी जो लाइफ की क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। जब फैमिली को रहना पड़ता है बहुत ही मतलब बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। तो देखिए इसका ये मतलब है कि अगर जैसे कि आप किसी की फैमिली की इनकम है 10,000 रुपये और उसके दो बच्चे हैं, ठीक है, तो भाई 10,000 रुपये इनकम है, दो बच्चों को वो इंसान कैसे पढ़ाएगा। उसकी फैमिली में अगर कोई एक भी पर्सन बीमार पड़ गया ना, तो मतलब बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है कि इस पैसों में वो इंसान अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा। तो ये बड़ी मतलब प्रॉब्लम की बात हो जाती है कि स्कूल से बच्चों को फिर बाहर निकाला जाता है, खूब सस्ते स्कूल्स में उनको भेजा जाता है, या उनको हेल्थ केयर अच्छे से नहीं मिल पाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। हैंस इससे क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ना, वो डेट्रीमेंटल काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट डालती है हमारे देश की ग्रोथ पर भी, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। डिप्रेस्ड इकोनॉमी का मतलब है कि इकोनॉमी की हालत, हमारे देश की हालत अच्छी नहीं है अगर बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं। तो ये जो है हमारे बाकी रिसोर्सेज को और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी वेस्ट करता है, जिसको अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर पीपल जो है कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स, दे नेचुरली अपियर एज अ लाइबिलिटी टू द इकॉनमी। तो इकॉनमी पर, हमारे देश पर वो एक तरह से बोझ की तरह लगने लगते हैं अगर वो पैसे ना कमा पाएँ। इंडिया में स्टैटिस्टिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लो है, काफ़ी सारे जो लोग हैं
पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड. मतलब हमें लगता है दिखने में कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ की कंडीशन अच्छी नहीं है, बस जैसे तैसे करके वो कमा पा रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयड नहीं है बट कमा कम रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत है. ऐसा लगता है कि वो पूरे साल काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे से मतलब काम कर रहे हैं, बट उनकी जो जितना वो काम मतलब कमा सकते हैं वो बड़ा बहुत ज़्यादा कम है, ये एडिक्वेट नहीं है उनके लिए. और जो वो अभी काम कर रहे हैं वो सीम्ड फोर्स अपन दे, ऐसा लगता है कि उनसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है ना तो कोई काम मतलब इंसान एक तरह से क्या कह सकते हैं कि वो करना नहीं चाहता है, उसका उसमें मन नहीं लगता है. तो दे मे वॉन्ट अदर वर्क ऑफ़ देयर चॉइस, वो दूसरा काम करना चाहते हैं बट वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते है ना. और पुअर लोग तो बेचारे घर पे खाली बैठ भी नहीं सकते हैं, उनको कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है, चाहे कितने ही कम पैसों में वो काम करें. वो देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन अ बेयर सबसिस्टेंस लेवल, मतलब कुछ कमा रहे हैं तो मतलब कुछ तो कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी के साथ, कुछ तो लाइफ में कर ही सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ करने लगते हैं चाहे कितना ही कम कमाएं. तो मोर ओवर और अगर हम कहें तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर जो होता है ना वो करेक्टराइज्ड बाय एम्प्लॉयमेंट, मतलब कैसे कैसे नौकरी मिल सकती है, कैसे कैसे कमा सकते हैं. तो एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है प्राइमरी सेक्टर में, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें तो अपने आप ही कमाई में लगे हैं, पूरी फैमिली जो है वो फील्ड में खेत में जाकर के कंट्रीब्यूट करती है और हर किसी की ज़रूरत भी होती है. तो वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की भाई 5 की ज़रूरत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो एंटायर फैमिली जो है वो शेयर करती है जो भी प्रोड्यूस होता है. ये जो कॉन्सेप्ट है शेयरिंग का वो फील्ड्स में वर्क, मतलब फील्ड्स जो खेत होते हैं उसमें काम करता है, ठीक है. और काफ़ी मुश्किल से जो है इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस रेज रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर. तो मतलब वही किसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट से तो बच जाते हैं बट स्टिल बहुत ही कम कमा रहे होते हैं. बट दिस डज नॉट रिड्यूस पॉवर्टी, बट उस फैमिली की गरीबी वो कम नहीं करता है. और ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स. फिर उसके बाद अगर एक फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर वो शहर जाते हैं कि शहर में शायद कुछ काम मिल जाए. तो हम लोग इसमें वही कहते हैं कि डिस्कस करते हैं अबाउट एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन द 3 सेक्टर्स मेंशन्ड अर्लियर. तो 3 सेक्टर्स जो हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े थे, एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर उसके बाद टर्शरी यानी कि जो जॉब्स वाला सेक्टर है वहाँ पर रीसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे उसमें. बट और पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है. तो मतलब काफ़ी पहले लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते थे है ना, अब बाकी जगह भी जैसे कि सर्विसेज में या इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगे हैं. सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर, सरप्लस लेबर जो थी वो या तो बड़े शहरों में टर्शरी सेक्टर में चले गए हैं या फिर शहरों में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जा करके काम करने लगे हैं. टर्शरी सेक्टर जो कि हाईटेक जॉब होती हैं उसमें तो खैर करने लगे हैं, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर साइंस, इन सब में, आईटी सेक्टर में. बट फिर यहाँ पे जॉब्स कम होती हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं होती, फिर भी काफ़ी लोग इनमें काम करते हैं. तो हमारा चैप्टर यही था. इस चैप्टर में अब हम लोगों को एक स्टोरी बताई गई है, स्टोरी ऑफ अ विलेज. एक गांव है जिसमें काफ़ी सारी फैमिलीज़ रहती हैं, हर फैमिली जो है इतना प्रोड्यूस कर लेती है कि अपना मतलब खाना पीना कर सके, अपने मतलब हर फैमिली जो है वो बेसिक नीड्स पूरी कर लेती है, अपने कपड़े जो है खुद बना लेती है और अपने बच्चों को भी खुद ही पढ़ाते हैं. मतलब कोई स्कूल नहीं है, मार्केट वार्केट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुद ही अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं, सब यही चलता रहता है. उनमें से एक फैमिली ने सोचा कि वो अपने जो है बेटे को एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजेगा, पास का ही एग्रीकल्चर कॉलेज था, वहाँ जा करके उसने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी. फिर उसके बाद वो एग्रो इंजीनियर बन गया, एग्रो इंजीनियरिंग उसने करी. तो वो जब वापस आया अपने विलेज में तो उसने एक डिज़ाइन किया प्लो, एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्लो डिज़ाइन करा, जिसकी वजह से क्या हुआ उसके खेत में वीट जो गेहूं है वो ज़्यादा उगने लगा. तो 10 एक नई जॉब क्रिएट हो गई गांव में, किसकी, एग्रो इंजीनियर की. और वो विलेज में मतलब पहले कोई ज़रूरत नहीं थी बट एग्रो इंजीनियर की जॉब वहाँ पर क्रिएट हो गई. उस एक और फैमिली ने, उस फैमिली ने अब क्या किया, जो उसके पास एक्स्ट्रा बचा वो पास के गाँव में जा करके बेच दिया. पहले तो अपना अपना खाने के लिए उगता था बट अब वो नया तरीके का हल बना लिया, उससे ज़्यादा उपज होने लगी. अब ये सक्सेस देख करके गाँव के लोगों ने क्या करी, एक मीटिंग बुलाई, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग अपने बच्चों के फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं. तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई इस स्कूल में गांव में एक स्कूल खोला जाए. और पंचायत ने कहा कि मतलब पंचायत से दरख्वास्त की गई कि भाई स्कूल खोला जाना चाहिए. और ये भी कहा सब लोगों ने कि हाँ हम अपने सब बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे. फिर टीचर पास के गांव से, पास से ही जो है टीचर को रखा गया, स्कूल जाने लगे सारे के सारे बच्चे. आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज
उसमें से कुछ टाइम बाद क्या हुआ, एक फैमिली ने अपनी बेटी को टेलरिंग की ट्रेनिंग दे दी। इससे क्या हुआ कि वो गांव के फिर सारी की सारी फैमिलीज़ अब सारे कपड़े सिले हुए उस बंदी के जो लड़की थी वो उसके सिले हुए कपड़े पहनने लगी, तो एक और नई जॉब क्रिएट हो गई टेलर की। इससे क्या हुआ, पॉजिटिव इफ़ेक्ट आने लगे। फिर टाइम जो था फार्मर्स का गोइंग, जो वो कपड़े ख़रीदने जाते थे या खुद बनाते थे, वो टाइम बच गया। अब वो टाइम उन्होंने अपने खेतों में लगाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि गांव में खेतों में जब वो ज़्यादा टाइम लगाने लगे, क्योंकि पहले वो कपड़े भी खुद बनाते थे, सारा काम बच्चों को भी पढ़ाना सब कुछ खुद ही करते थे, तो जब ये सारे काम उनके टाइम बचने लगा तो वो खेतों पे ज़्यादा टाइम लगाने लगे। इससे गांव में प्रॉस्पेरिटी आई, मतलब लोग अमीर होने लगे। फार्मर्स के पास अब ज़्यादा टाइम था, ठीक है, दे वुड अपनी जो ज़्यादा उगाने लगे तो पास के विलेजेस में जाकर के मार्केट्स में वो बेचने लगे। टाइम के साथ साथ ओवर दिस टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली पहले जिसमें कोई जॉब नहीं थी, धीरे धीरे टीचर, टेलर, एग्रो इंजीनियर जैसी काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट हो गई। ये सिंपल सी स्टोरी है एक गांव की, जहां पर अगर हम लोग एक इंसान को, ह्यूमन कैपिटल को हम लोग एनरिच कर देते हैं, मतलब एक इंसान था उसको हम लोगों ने, जैसे किसी ने उसको इंजीनियर बन गया वो तो उसने कुछ अच्छा काम कर दिया, टेलर बन गई, कोई टीचर बन गया पढ़ करके, तो अलग अलग जॉब्स क्रिएट होने लगी। तो यही हमारा चैप्टर था, ठीक है, पीपल एज रिसोर्स। तो कंप्लीट हो गया है हमारा, ये 35 मिनट्स लगभग का वीडियो बन गया, बट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।